वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज एक न्यू टॉपिक, न्यू आपके पास है मैथमेटिक्स फाइनेंस में टॉपिक लेकर आए हैं। एन्यूटी इसका नाम है और आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, बिजनेस मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, कितने टॉपिक्स होते हैं और एक दिन में हम दो चार टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टॉपिक वाइज टॉपिक्स भी हम डे बाय डे खत्म करते हैं तो भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास में आ जाते हैं। तो खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक एनुटीज से। एनुटी क्या होता है, सबसे पहला सवाल यह है। आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुटी, एनुटी किसे कहते हैं? तो बच्चे, एनुटी का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे यह कहता हूं कि आपको मैं हर साल के आखिरी में 1,000 रुपए मैं आपको दूंगा, हर साल के एंड में मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा और ऐसा मैं 3 साल तक करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि हर साल, मतलब कि मैं जो मेरा जो टाइम गैप है, पहले अमाउंट फिक्स कर दिया मैंने, क्या करा मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट फिक्स करा कि हर साल के एंड में, मतलब कि अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी तो जीरो हो गया, अभी का टाइम तो ये फर्स्ट ईयर का, अभी जीरो हो गया ना, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का एंड, क्लियर है जी। और उसके बाद ये आपका हो गया सेकंड का एंड और ये आपका हो गया थर्ड का एंड। और मैंने क्या कहा आपसे कि मैं आपको हर साल के एंड में 1,000 रुपए दूंगा, दिस वन, यहां पर मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूं, यहां पर भी मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूं और यहां पर भी मैं आपको 1,000 रुपए पे कर रहा हूं, हर साल के एंड में 1,000 रुपए दे रहा हूं। सबसे पहले क्या देख रहे हो, अमाउंट आपका फिक्स है, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा हूं, हर बार फिक्स है, पहली बात ये। दूसरी बात, जो टाइम इंटरवल है, कितना टाइम इंटरवल है, 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर का गैप है और आफ्टर 1 ईयर का गैप है, तो टाइम इंटरवल भी क्या है, फिक्स है। तो जब आपका अमाउंट फिक्स हो, जब आपके रेगुलर इंटरवल्स हो, मतलब कि इक्वल इंटरवल्स हो, क्लियर है, और एक सर्टेन पीरियड मैंने बोल दिया कि मैं आपको 3 साल के लिए पैसा दे रहा हूं, जब ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो आप क्या करते हो, मैंने 1 साल के एंड में जब आपको 1,000 रुपए दिया तो आपने इसको घर में पैसा नहीं रखा, आपको पता है घर में पैसा रखे बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका उसमें कुछ बढ़त नहीं होगी और महंगाई की वजह से पैसा की वैल्यू कम हो जाएगी आने वाले समय में। आपने चुपचाप से 1,000 रुपए को क्या करा, बैंक में डाल दिया। फिर मैं सेकंड ईयर के एंड में आपको 1,000 रुपए और देता हूं, आप जाके इसको भी बैंक में उठा के दे देते हो, डाल देते हो, अपने जमा करवा देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो बैंक में, फिर मैंने आपको 1,000 रुपए दिया, इसको उठा के अपने बैंक में डाल दिया। तो इस तरीके से 3 साल के बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, भैया आप बोलोगे 3,000 रुपए ही तो होंगे, 1,000 रुपए 3 बार दिए आपने, बेटा आप बैंक में रख रहे हो तो बैंक वाला ब्याज भी तो देगा आपको, बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जिसको मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं, मतलब कि डेसिमल में, तो 100 नीचे आ जाएगा तो 0.110 बेसिकली क्या है, ये आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सवाल मेरा ये है कि बताइए जरा कि 3 साल बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा। अब एग्जांपल के लिए क्या क्या होगा, आप सबसे पहले देखिएगा क्या हो रहा है कि जीरो, पहले आप यहां पर 1,000 रुपए पे कर रहे हैं, कब है ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है। नेक्स्ट आप 1,000 यहां पे कर रहे हैं, ये क्या है, ये सेकंड ईयर का एंड है और नेक्स्ट आप 1,000 यहां पे कर रहे हैं और ये क्या है, ये थर्ड ईयर का एंड है, क्लियर है। तो फर्स्ट सेकंड और आपके पास में ये थर्ड ईयर का क्या है, थर्ड ईयर का आपके पास में ये एंड है। तो एक बार बताइए, जब आपने बैंक में रखा और आपका आई क्या है, आई आपका जो है 0.1 है, ये आई है। जब आप बैंक में पैसा रखेंगे तो सबसे पहले आपने यहां पर पैसा दिया तो बैंक में कितने साल के लिए पैसा यूज होगा, ये तो आपके एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो पैसा 1 साल यहां यूज होगा, 1 साल यहां यूज होगा। तो सबसे पहले आपका 1,000 रुपए अगर मैं, मतलब कितना हो जाएगा, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात है ना, फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही चीज होती है। 1,000 रुपए 2 साल में कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, या फिर
1000 रुपए का फ्यूचर वैल्यू क्या है, बात एक ही है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, बात समझे। तो 1000 रुपए 1+0.110, इस 1000 रुपए पे कितने साल बैंक आपको ब्याज देगी, 1 साल 2 साल, तो 3 साल में आपको 2 साल तो उसने यूज करा बैंक ने आपका पैसा, तो 2 साल का ब्याज देगी, बात समझे, क्लियर है। अब आपके पास में नेक्स्ट 1000 रुपीज को बैंक कितने साल यूज करेगी, एक ही साल तो यूज करेगी, क्लियर है। तो 1+0.110 एक ही साल यूज करेगी ना इसको, क्लियर है। और इस 1000 रुपए को जो लास्ट थर्ड ईयर में दिया, इसमें कुछ ब्याज मिलेगा नहीं ना बैंक को, तो अपने अभी भी जमा ही करवाया है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो कितना पैसा आपका हो जाएगा, आप बताइए पहले, यहां तक आप सेटिस्फाइड हैं, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, तो सॉल्व करते हैं। आपका 1.10 × 1000 × 1.21 × 1000, तो कितना हुआ आपका 1210, क्लियर है जी। और आपके पास में 2 साल यूज होगा ना पैसा आपका, ये और ये 1210 रुपए, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1100 रुपए। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, पहले देख लो जी, कोई डाउट है तो जरूर पूछो मुझे, पहले देख लीजिए इसको आप। ठीक है जी, क्लियर है, इस पे 1100 और क्या मिलेगा इस पे आपको, यहां तो आपको कोई ब्याज ही नहीं मिलेगा ना 1000 रुपए, तो कितना हो गया आपके पास में 1, 2, 3 हजार और 310, 200 और 1, 310, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इतना पैसा आपके बैंक में होगा, इसी को हम एन्युटी कहते हैं, क्लियर है। लेकिन यहां पर आपको क्या है, हर साल पैसा आपको, पैसा आपको दे कब रहा हूं मैं, इंस्टॉलमेंट दे कब रहा हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर, जब भी आपका एक फिक्स अमाउंट हो, क्लियर है, एक रेगुलर इंटरवल हो, इक्वल गैप हो, और उस इंटरवल के एंड में अगर आपको पैसा मिलता है तो उसको हम रेगुलर एनिटी कहते हैं, क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको, हम उसको हम रेगुलर एनिटी भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है हमारा रेगुलर एनिटी, तो रेगुलर एनिटी में आपके पास में यह आपके पास में होगा 3310 होगा। यहां तो आपके लिए मुमकिन सवाल सॉल्व कर पाना इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने डिजिट्स भी बड़े प्यारे प्यारे लिए, समय भी मैंने 3 साल लिया तो मुमकिन हो पाया। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, बात फॉर्मूले की करते हैं। देखिएगा भैया, अगर मैं बात फॉर्मूले की करूं तो देखें आपका ये मैं इस तरीके से कर सकता हूं, मतलब कितना हो जाएगा एज अ अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट जो करते थे हम, तो 1000 रुपए आप ले लीजिए और 1+ जो कर रहे थे अभी तक आप, पहले 1000 रुपए यहां ब्रैकेट में काम करेंगे, 1+ रे आई, आई क्या है 0.1 पे, और कितना है हमारे पास में 3 साल की एन्युटी, 3 साल तक ऐसा करा था ना मैंने, हर साल के एंड में आपको 1000 रुपए दिया 3 साल तक, ऐसा करा मैंने। तो फिर पावर में 3 यूज कर लेता हूं, -1 यूज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0.110, बस एक चीज यहां पर ये चीज कर देते हैं, देखते हैं जरा सॉल्व करके क्या आपका आंसर आता है। एस इक्वल्स टू बेसिकली क्या है 1000, आइए सॉल्व करते हैं, 1.10 raised to power 3 - 1 अपॉन 0.10 दिस वन, ठीक है, एस इक्वल्स टू 1000 और सॉल्व करते हैं। कहाँ है भैया हमारा कैलकुलेटर महाराज, कैलकुलेटर महाराज हमारा 1.10 इंटू, तीन बार करने, एक बार 1.331 - 1 upon 0.10 - 1 divided by 0.10, हाँ जी, तो क्या आया मेरे पास, S equals to कितना आया मेरे पास में 3.31 आएगा into 1000, कितना आया मेरे पास में 3310। देखिए मैच हुआ, मैच हुआ या नहीं हुआ बताइए जरा, मैच हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में एन्युटी निकालने का आपके पास में एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, एस इक्वल्स टू ये जो आपका पास में जो प्रिंसिपल होता है, यहां पर कुछ भी बोल दीजिए आप, आर बोल दीजिए आप कुछ भी,
और वन आर, अब ब्रैकेट में काम करना है आपने, वन प्लस आई रेस टू पावर एन, कितनी बारी ऐसा अप्लाई होगा, माइनस वन और सबके नीचे ओनली आई। ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया एनर्जी निकालने का। भैया बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिएगा जरूर आप। तो अब आपको कहानी समझ में आ चुकी है तो बहुत सारी बातें भी समझ में आ जाएगी, फॉर्मूला को बताने की जरूरत है नहीं, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। सवाल क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ रेट 500 रुपीज पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। देखिएगा, अगर आप किसी साल के एंड में होता है तो इसको हम रेगुलर एन्युटी बोलते हैं, क्लियर है ना बात समझे? तो अगर आपको मेंशन नहीं है, देखिए दो अलग अलग केस है, एक तो होता है कि हर साल की शुरुआत में दे दिया पैसा, पहले साल के शुरुआत में पैसा दे दिया, ये एक अलग केस है, इसके बारे में हम कल चर्चा जरूर करेंगे। पहले आप फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी बेसिकली क्या, एक फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है? फ्यूचर वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू के बारे में चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू जिसको मैंने कहा था उसके बारे में बात कर चुके हैं। चलिए जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ द रेट 500 रुपीज पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर ऑफ द 12 ईयर इफ मनी इज द वर्थ 6% इफेक्टिव। तो बस सिंपल क्वेश्चन है आपके पास में, आप एस इक्वल्स टू क्या लगाने वाले हैं, आर और ब्रैकेट वन प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस वन और अपॉन आई और ये कुछ इस तरीके से, क्लियर है जी? और आप यहाँ पे एक एक चीज को आप लिख देंगे, क्लियर है ना, कि आपके पास में आर क्या है, आपके पास में आई क्या है। तो आपके पास में आर बेसिकली क्या है, 500 रुपीज। अब लिखेंगे पेपर में, भैया मार्क्स लेने हैं तो पूरे लिखने पड़ेंगे स्टेप्स, नहीं तो कैलकुलेटर उठा के कर दिया आप सीधा। आई इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका 6% है, एनुअली है ना, तो कोई चेंज नहीं करना, तो मतलब 6/100 हो गया और 0.06 हो गया आपका, ठीक है? और एनुअली है तो 12 साल में तो 12 बार ही जाएगा फिर तो। आइए अब मैं यहां पर आपका एस निकालेंगे, एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है मेरे पास में, 500 रुपीज ब्रैकेट 1 प्लस 0.06 रेस टू पावर 12 डिवाइडेड बाय माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 0.06 और दिस वन, क्लियर है जी? तो एस इक्वल्स टू 500 ब्रैकेट 1.06 रेस टू पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.06। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, क्या इसका आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाया है या नहीं सिखाया है? मैं आपको एक बात फिर भी बता देता हूं कि आपको इसकी वैल्यू निकालने में समस्या आ रही है ना, 1.06 रेस टू पावर 12 क्या होता है, मैं बार बार बोल चुका हूं कि क्या करना है आपको, कैलकुलेटर से कर रहे हो अगर आप, 1.06 कर दिया आपने, मल्टीप्लाई दबाओ और इक्वल का साइन दबाओ, अगर ये 12 है तो एक प्लस कर दो, 13 बार दबाना है और यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा 13, तब तक गिनने की जरूरत भी नहीं है आपको। लो क्या आ गया 13 बार में, इसकी वैल्यू आप कर दोगे ना, क्या आ गया 2.012196। लेकिन ये तो आपको कैलकुलेटर से आता ही है करना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम्स के अंदर आप अगर लॉग से सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो आपको इसकी वैल्यू निकालना है ना, मैं आपको लॉग से बता देता हूं कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 1.06, यही तो आप सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप इसको x के इक्वल मान लो, भाई x है इसकी वैल्यू, लेट मान लिया ये x है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय लॉग, तो लॉग x इक्वल्स टू 12 लॉग 1.06। अब आप 10 पे 6 आप लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो, कहां है भैया मेरा लॉग टेबल, ये रहा। हां जी, क्या आप लॉग में 10 पर 6 फाइंड कर सकते हो, 10 पर 6 0.25 3 0.25 3, तो 12 × 0.25 3, क्लियर है जी बात समझे? तो यहां पर क्या आएगा, एक है ना, तो इससे एक माइनस हो जाएगा, तो मतलब जीरो, तो 0 point something आपके पास में ये वैल्यू आई है, किसकी, लॉग एक्स की वैल्यू आई है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहां पर आप 12 × 0.0253, तो क्या है आपका 30 36, ठीक है, 0.0253 × 12, तो 0.36, तो क्या हमारे पास में आया, मैं बता रहा हूं आपको एक बात फिर भी, log x equals to क्या आया, log x equals to आया 0.3036, ठीक है जी।
अब आप यहां सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.3036। अब आप एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं आप कि आपके पास पे एंटी लॉग क्या आएगा, 30 पे 36 आपको देखना है, क्लियर है जी। तो आप एंटी लॉग की वैल्यू निकाल करके फिर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी एंटी लॉग 30 पे 36 देख लीजिए आप, एंटी लॉग 30 पे 36 तो आपका 30 पे पहले 6 देख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई साफ नजर नहीं आ रहा है मुझे, क्या है ये, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिख रहा भैया यहाँ पे, तो प्रिंट ब्लर हो गया है, 20, 23 क्या है देख लेना, तो 0 पे 30 पे 0 पे 36 तो पहले आप 30 पे 3 देखो, 30 पे 3, 30 पे 1, 2, 3, 2004 है, फिर 6, फिर आप जो है मीन डिफरेंस में जाइए इसी पे 6 पे देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2007 हो गया, क्लियर है जी, समझे। तो अब आपका पॉइंट कितने के बाद आएगा, यहां पर आपका क्या है 0 तो प्लस 1 कर दो तो एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, तो ये आया ना आपका 2.007, क्लियर है जी। क्लियर है, तो जो भी आप इस तरीके से आपने पेपर में इसकी वैल्यू भी ऐसे निकाल लो बेटर है, अगर आप पे टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चलने तो कहानी कैसे चल रही है आगे, मैंने बता दिया कि इसको लॉग से कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए एस इक्वल्स टू 501.06 इंटू 12 तो क्या आया, माइनस वन कर देंगे इसमें से 1.012196 समथिंग एंड डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06 क्या है 516.86 समथिंग इंटू 500 ठीक है, क्या आएगा आपका 8434.97, क्लियर है बच्चे। हाँ 2012 देख लेना वो जैसे भी है, हाँ जी समझ में आपको आ गया, कोई डाउट। अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ पेमेंट 600 रुपीज एट द एंड ऑफ द एवरी 3 मंथ फॉर द 3 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडली क्वार्टरली। सबसे पहले सवाल को इंफॉर्मेशन को पिक करें, हाँ जी सर, आर क्या है आपका इस केस में, आर क्या है, आर इक्वल्स टू 600, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, वहां पर आर या फिर प्रिंसिपल बोल दीजिए, जो पैसा आपको, जो आपको इंस्टॉलमेंट मिल रहा है हर बार 600 रुपए, आई बोल दो इंस्टॉलमेंट जो आपको हर इंस्टॉलमेंट मिल रहा है 600 रुपए मिल रहा है, और एवरी 3 मंथ टाइम फॉर द 3 ईयर तो आपका टाइम है ये 3 ईयर, और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, अभी फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है, और चार्जेबल क्या है एवरी क्वार्टरली, तो इसको क्या करोगे आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 1/4, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को मॉडिफाई कर लोगे आप ये 2%, और यहां से आप आई निकाल लोगे 0.02। पहली बात तो ये, एक साल में 3 महीने 4 बार आते हैं तो 3 साल में कितनी बार आ जाएंगे 12 बार, ये आपका एन हो गया, ठीक है। अब बस आप अपना अपने आंसर को करें, आप कोई समस्या नहीं है, एस इक्वल्स टू आपके पास में 600 और आपके पास में 1+0.02 रेज टू पावर 12 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 0.02, क्लियर है जी। तो एस इक्वल्स टू 600 और सॉल्व करते हैं अगर आप इसको 1+12 × 13 बार
कितना आ गया, माइनस वन डिवाइड बाय 0.02, 9.7546283 समथिंग, एंड मल्टीप्लाई बाय, आप दो डिजिट तक लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, एस इक्वल्स टू 5852.77। क्लियर है जी, आ गया भाई बात समझे, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? तो आप यहां पर आप क्वार्टरली वगैरह भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एनविटी इफ पेबल ऑफ द 200 रुपीज मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ द 15% कंपाउंडली मंथली। चलिए करिए जरा, मंथली कंपाउंडली है, करो। डन, आगे भाई देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इफ पेमेंट ऑफ 200 रुपीज इज मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 3 ईयर और मंथली आपका। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पर, तो आपका एज अ प्रिंसिपल या एज अ इंस्टॉलमेंट क्या जा रहा है आपका, हर बार हर मंथ के एंड में जा रहा है, बट आपका इक्वल इंटरवल है टाइम पीरियड का, तो आपका एनुटी का क्वेश्चन है, और आपका जो है इक्वल आपके पास में जो है आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इक्विटी का क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में क्या है, 15% है, लेकिन आप हर मंथ में चार्जेबल है, तो मंथ को आप 12 से डिवाइड कर दें, तो मतलब 1/12 हो गया आपका। अब 15% ही ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करें, 1/12 कर दें, ठीक है बात समझे, या फिर आप जैसे भी कर लें, आप इस पॉइंट हटा करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, तो आपका आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.15। अब आपको 1/12 है, तो 1/12 से आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 0.15 मल्टीप्लाई बाय या डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका क्या रहा है, 0.0125। ये तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आई के फॉर्म में आया है, और टाइम क्या है आपका, टाइम आपका 3 साल है, और 1 साल में 12 बार जाएगा, तो मतलब 36 आपकी एन की वैल्यू आई। अब सिंपली आप सॉल्व करेंगे यहां पर एस के लिए, तो एस इक्वल्स टू आपके पास में 200 रुपीज 1 प्लस 0.0125 रेस टू पावर 36 और माइनस 1/0.0125। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, क्लियर है जी, कोई डाउट? तो क्या आ जाएगा, 1.0125 इंटू कितने बार है, 37 बार, माइनस 1/0.0125 तो एस इक्वल्स टू क्या है, 200 अप्रोक्सीमेट 45.1155 कुछ ऐसे, और इंटू 200 तो क्या है आपका, एस इक्वल्स टू 9023.10। तो देख लो भैया, 200 रुपये कितना बन गया आपका, समझ रहे हैं आप, 200 रुपये आपके जो है 36 इंस्टॉलमेंट के दिया आपने, वो आपका 9000 रुपये में कन्वर्ट हो गया। इसलिए ना आप लोग अपनी सेविंग्स करा करो, चाहे 500 रुपये की आप आरडी करो, मुझे मालूम है मंथ अभी आप कमाते नहीं है, तो खैर अभी आप सेविंग क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में 500 रुपये का बजट है, तो कहीं पर भी अपना अकाउंट खुलवाओ। अब बैंकों का भरोसा नहीं है आपको, तो कोई बात नहीं, पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो, एक आरडी अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। और आप ये सोच के चलो कि आपकी उम्र 20-21 साल है, आप जब शादी करेंगे और आपकी फैमिली बनेगी, तो शायद आप उस समय 31-32 साल के होंगे, ऐसा अंदाजा लगा लीजिए। तो 10 साल की आप एक आरडी करवा लो, 500 रुपये से करवा लो, कोई बात नहीं, 500 रुपये महीने के आपको उसमें डालने हैं, सेविंग करने हैं, बस
ये आपने आदत डाल दो। महीने के 500 रुपये डालोगे तो आपके पास में जो है एक अच्छा 6,000 रुपये आपके पास में, 60,000 लगभग लगभग आपके पास में 10 साल में इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला मुलो करके आपको 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए जब आपके पास में होंगे जब आप शादी करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपके पास में रहेगा। क्लियर है जी? चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एट अ 6 मंथ इंटरवल्स, हर 6 महीने गैप पर आर डिपॉजिटेड रेट 100 रुपीज इन अ सेविंग अकाउंट विच क्रेडिट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सबसे पहले यहां पर एक तरीके से मैं एज अ इंस्टॉलमेंट तो यहां पर क्या है 100 रुपए, ये तो क्लियर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बच्चे 10% है और हर 6 मंथ में चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब तो साफ है कि 1/2 कर देंगे तो 5%, और 5% का मतलब 0.05 आपका 5%, और जो कि आपका आई के फॉर्म में क्या होगा 0.05 होगा। क्लियर है? और हर 6 महीने के एंड में होता है। अ सन वॉज 6 मंथ ओल्ड एंड द लास्ट डिपॉजिट वॉज द मेड वेन हिज सन वॉज द 8 ईयर्स ओल्ड। सवाल क्या भैया, आपकी शादी ब्याह हुआ, आपका एक बच्चा हुआ, वो बच्चा जैसे 6 महीने का होता है 6 महीने के एंड में आप 100 रुपए उसके सेविंग अकाउंट खुलवा के 100 रुपए उसके अकाउंट में डाल देते हो। ऐसा कब तक करते हो? ऐसा उसके 8 साल तक करते हो। तो सवाल यह कि पहले 8 साल में उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे? तो भैया बताइए, रेगुलर इंटरवल है, हर 6-6 महीने में पैसा डाल ही रहे हो, हर 6 मंथ के एंड में डाल रहे हो, तो रेगुलर एनुटी का क्वेश्चन हो गया आपका। फिक्स अमाउंट है 100 रुपए आप डाल रहे हो, तो यहां पर आपके पास में हाफ ईयरली है तो रेट को आप आधा कर दो ना, क्या दिक्कत है, समस्या क्या है इसमें? हाँ जी, सबसे पहले आप देखिएगा कितने साल की बात हुई, हर 6 मंथ के एंड में मैं पैसा डाल रहा हूं बच्चे को, तो जब बच्चा 0-6 हुआ यहां पैसा डाला, और जब बच्चा 12 महीने का हुआ यहां पैसा, तो 8 साल की उम्र में आपको सोचिएगा 15-16 बार पैसा जाएगा नहीं जाएगा? पहले 1 साल की उम्र में कितनी बार पैसा जमा हुआ? यहां जमा हुआ 6 महीने में, 12 महीने में जमा हुआ, तो 1 साल में जब 2 बार पैसा जमा हो रहा है उसके अकाउंट में, 6-6 महीने में हो रहा है ना जमा, हर 6-6 महीने गैप में, देखिएगा सवाल लिखा ना, हर 6 महीने के गैप में, जब हर 6 महीने के गैप में पैसा जमा हो रहा है उसके अकाउंट में, तो 8 साल का जब 1 साल में 2 बार, तो 8 साल में 16 बार पैसा जमा होगा, इस बात को समझिए जरा। तो एन इक्वल क्या है आपके पास में, 16 आ गया। आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको ये करना है बस कि आपको एस निकालना है, 100 रुपए आपके पास में ये हो गया, और आपका 1+0.05 हो गया, -1 हो गया, और रेज टू पावर आपका 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.05 हो गया, और दिस वन। क्लियर है? पहले आप इसको निकाल लीजिए कि जब वो 8 साल का हो जाएगा तो कितना पैसा हो जाएगा, 1.05 × 17 बार कर देते हैं, हाँ जी, -1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो क्या आया 100 × 20 6 5 7, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं उसको 100, तो कितना बना आपका, ये 2365.74 बन गया भाई साहब। 8 साल के एंड में इतना पैसा बन जाएगा उसके खाते में, लेकिन पूछ क्या रहा है 8 ईयर ओल्ड, तो पहला सवाल तो ये पूछा। आगे, द मनी रिमेन्ड इन द अकाउंट एंड वॉज द presented to the son on his 10th birthday. How much did he receive? तो उसने सोचा यार नहीं निकालते पैसे 8 साल के बाद, छोड़ देते हैं, 10 साल का जब बर्थडे मनाएंगे पैसा निकाल के बच्चे के हाथ में रख देंगे, जब 10वां बर्थडे मनाएंगे इसका 10 साल का, तो बच्चे अब यही पैसा, अब आगे उसने डालना बंद कर दिया, 8 साल तक डाला था, अब यही पैसा एज अ प्रिंसिपल उस बैंक में पड़ा रहेगा 2365.74, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 0.05 से पड़ा रहेगा, और आगे 2 साल तक पता पड़ा रहेगा, तो टाइम आपका जो है 2 ईयर, मतलब कि एन इक्वल्स टू 4, क्योंकि हाफ ईयरली है ना भैया, तो बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ निकाल देंगे, एस इक्वल्स टू ये पैसा आपका उसके अकाउंट में आपने छोड़ रखा, कुछ मिला मुलो नहीं रहेगा आपके पास, 1+0.05 और पावर 4 सॉल्व कर दीजिएगा, पता लग जाएगा 10 साल के एंड में उसका बर्थडे पे उसका ये पैसा कितना हो जाएगा, और जितना हो जाएगा निकाल के दे देंगे। तो इसमें 2 सवाल था आपका, क्लियर है जी, समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 1-2 सवाल हैं जो कि कल भी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी एनुटी में मैंने सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एनुटी की बात करी है मैंने, अभी पास्ट के बारे में बात नहीं करी, 1-2 टॉपिक उसको हम कल की क्लास में उसको हम कवर करेंगे। क्लियर है जी? अभी आजकल ना समय कम मिल पा रहा है, तो मैं आपको बस एक बात यही कह देता हूँ बच्चे कि
कि आप एक काम करें, जो पढ़ा रहा हूं घर पे दोबारा से क्लास को देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको आ गया तो इन्हीं क्वेश्चनों को लिख लो और इन्हीं को आप सॉल्व करो, अगर आपने सही कर दिया तो मतलब आपको आ गया। अब आइए, ये तो आपको आ गया, अब आप क्या करें, 10 ईयर में जाइए और 10 ईयर में आप जो है मैथमेटिक्स टू फाइनेंस में, आपको पता कि क्या क्या आपको आ गया है रिविजन करके, आप मैथमेटिक्स टू फाइनेंस का जो क्वेश्चन होता है फिक्स जगह पर क्वेश्चन होता है कि पहला क्वेश्चन आपका जो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का ही आपका रहने वाला है, सेकंड क्वेश्चन आपका एलपीपीवी से आ जाने वाला है, थर्ड क्वेश्चन आपका जो है कैलकुलस से आ जाएगा, क्लियर है, और आपके पास में क्वेश्चन फोर्थ आपका जो है यहां से आ जाएगा, फिक्स रहता है क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज मैट्रिक डिटरमिनेंट्स होगा। 10 ईयर जाओ, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन निकालो, सॉल्व कर दो मैथमेटिक्स फाइनेंस, सॉल्व करो, सॉल्यूशन भी तो है उसमें, तो सब कुछ तो आपके पास में है, बस वही प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कुछ मत करो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इतना टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है आपका और उसी में आपका 100% स्कोर हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कक्षा में।